ऐसी शानदार बाइक बनाने के लिए आपको ऐसे मटेरियल लगेंगे, पेपर, ग्लू, मार्कर और सीजर। इससे आप अपनी बाइक बनाना शुरू कर सकते हो। मैंने ऐसे 3 पीसेस लिए हैं पेपर्स के, जिसे हम आगे रोल करके बाइक बनाना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे पार्ट्स में मैंने हो रोल किए हैं। ऐसा रोल करके इससे हम टायर बना सकते हैं और भी मटेरियल्स और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बनने जा रहा है पहला टायर, जो हैंडल का होगा, और इससे हम ग्लू लगा के उन 2 स्पोक्स में जोड़ देंगे। ये जो पाइप आपको दिख रहे हैं, तो उसे यहाँ पे स्टिक करने के बाद इससे हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा। हमारे बाइक का पहला पार्ट तैयार हो चुका है। अभी हम लगाने जाने वाले हैं उसका मरगार्ड। जो कि हमारे टायर को ऊपर से कवर कर लेगा। ये हमारा गाड़ी का फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अभी इसके बाद हम आगे का पार्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा होता है। अभी पिछला पार्ट, जिस पे हमारे पूरा मशीन, गाड़ी का जो मशीन होता है वो लगेगा, वो हम पिछले टायर से जोड़ने वाले हैं। पिछले टायर को इस तरह से पाइप, पेपर पाइप चिपकाने का, और वो डायरेक्टली इस तरह से हम अगले हैंडल को चिपकाएंगे। इसके लिए हम बेसिक उसका स्टैंड बनाएंगे पहले, जो कि उसको स्टे करेगा, फिर उसके ऊपर हम वो चिपकाएंगे। और ऐसे पेपर के छोटे पीस को रोल करके ग्लू से चिपका के हम उसे अगले हैंडल के बीच में लगाएंगे। इसे दोनों तरह से उसको स्टिक करने का, जो कि हमारे हैंडल को सपोर्ट देगा और हेडलाइट भी हमें वहाँ लगाने को हेल्प होगी। इस तरह से अगर हमने कट किया तो स्टिक करने के लिए इजी हो जाता है। इस तरह से हम हमारे बाइक को इंजन जैसा व्यू देने के लिए ऐसे 2 रोल यहाँ चिपका सकते हैं। मैंने ऐसे 2 रोल करके रखे हैं। ये हमारा पहला रोल यहाँ पर ऐसा चिपकाने का, जिससे हमारे बाइक को और अच्छा व्यू आए और वो शानदार लग जाए। ऐसे 2 रोल चिपकाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सपोर्ट के लिए और इंजन जैसा व्यू आने के लिए बाइक को और ऐसे पेपर के रोल लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ग्लू लगा के मैं और लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसे पेपर के रोल फोल्ड करके इसे पहले से ही बना के रखा था, जो कि हमें यूज़ करना पड़ेगा। इससे और ज़्यादा इंजन का व्यू बीच में आ सकता है, जो कि और शानदार लगेगा। और ये टंकी जैसा शेप मैंने इसे दिया है, जो हम वहाँ सेट कर लेंगे, जो कि हमारे बाइक को और शानदार लुक देगा।
इस तरह से सीट की लेंथ और बढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर दो स्टिक्स किए हैं और इसके ऊपर बैठेगा हमारा सीट। अब हम अपने बाइक का पिछला मडगार्ड बैठाने जाने वाले हैं, जो कि और शानदार लुक देगा हमारे बाइक को। इसे ग्लू लगा के हम चिपकाएंगे, ऐसा ठीक से चिपकाना जिससे वो अच्छा लुक दे, थोड़ा सा उसे मोड़ने का नीचे, जो कि अच्छा व्यू देगा गाड़ी को। यहाँ पे दो हैंडल लगाएंगे हम। पहले ऐसे पेपर पर मैंने दो हैंडल लगा के लिए हैं और इसे हम वहाँ स्टिक करेंगे, जो कि पूरा स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमारे गाड़ी को, वो बाद में टूटेगा नहीं। अभी यहाँ हम हेडलाइट लगाएंगे। अभी हम टंकी को ऑरेंज कलर देंगे। आप अपने मन से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। अभी हम पूरे बाइक को कलर करेंगे। आप पेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने मार्कर का यूज़ किया है, क्योंकि छोटे छोटे गैप में भी मार्कर की नीप अच्छे से जाएंगी, जिससे हमें और डिटेलिंग करने को मदद होगी। स्केच पेन से इसे पूरी तरह से हम कलर कर लेंगे। इस तरह से मैं कर लेता हूँ। इस तरह से हमारी पूरी बाइक रेडी हो चुकी है और एकदम शानदार लगी। यहाँ मैंने स्टैंड लगाया है, जो कि हमारे बाइक को स्टैंड होने के लिए मदद करेगा। इस तरह से आगे का टायर मूव करता है और पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग बाइक हमारी बन चुकी है। अगर आपको भी ऐसी बाइक बनानी हो तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।